बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अचार न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियाँज़ाद अहमद। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की जो रियासत होती है, अगर वो रियासत गद्दारों को माफ़ी देना शुरू हो जाए और गद्दारों को माफ़ी मिल जाए तो फिर वो रियासत जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलती है। क्योंकि अगर आप एक गद्दार को माफ़ी दे देते हैं तो इससे उसका हौसला जो है वो बढ़ता है। वक्ती तौर पे वो सरेंडर कर जाता है, लेकिन जब वो दोबारा आता है तो फिर ज़्यादा शिद्दत से आता है और रियासत की ऐसी की तैसी फेर देता है। जी नाज़रीन, इसी तरह के एक वाक़या पाकिस्तान में हुआ। आजकल पाकिस्तान तरीके इंसाफ ज़ेरे ताब है, उसके रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है और कईयों ने पार्टी छोड़ दी, कई अंडरग्राउंड हो गए और कई जो है वो छुपते फिरते हैं। लेकिन इनमें ज़्यादातर वो लोग थे जो कि रियासत के गद्दार नहीं थे, वो रियासत के साथ थे और साथ हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स को रियासत ने माफ़ी दी है जिसका जुर्म जो था वो नाकाबले माफ़ी है। जी, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबका वज़ीर ख़जाना और सेनेटर शौकत तरीन की। शौकत तरीन जो हैं ये काफ़ी अरसे से मुत्ते पार्टियाँ बदलते रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब समझे जाते हैं और ये कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, आसफ़ ज़रदारी के साथ भी इनकी दोस्ती है, कभी ये मुस्लिम लीग काफ में रहे हैं और कभी इनकी मुशर्रफ के साथ भी बड़ी दोस्ती जारी थी और ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि इनका जुर्म क्या था। नाज़रीन, जब इमरान ख़ान साहब की गवर्नमेंट जो है वो गिर चुकी थी और जिस तरह का इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को इन्होंने ख़ासतौर पर शौकत तरीन ने नुकसान पहुँचाया था, तो जब रियासत जो थी वो डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल, वो IMF के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे और उन्हें कायल कर रहे थे कि आप हमको $1 अरब या $1.5 अरब की किस्त दे दें ताकि पाकिस्तान में LC वगैरह खुल सके, अद्यात जारी रह सके। उस वक्त जो टाइम था काफ़ी क्रूशल टाइम था, उस वक्त PTI की, KP की और पंजाब में गवर्नमेंट थी, तो उस वक़्त इनकी एक आइडियो जो थी वो रिलीज़ हुई थी जिसमें ये कह रहे थे, उस वक़्त के दोनों वज़ीर ख़जाना एक ज़फ़र इकबाल झगड़ा थे, एक झगड़ा साहब थे, KPK में वज़ीर ख़जाना और पंजाब में मोहसिन लगारी थे। इन्होंने दोनों को फ़ोन किया शौकत तरीन ने और कहा कि आपने इस डील को कामयाब नहीं होने देना, आपने जो लेटर है वो IMF को लिख कर देना है कि जनाब हमारा इस डील से कोई चक्कर नहीं है। ये रियासत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा कदम था जो ये इन्होंने ये इनके आइडियो जब लीक हुई तो उस वक़्त के जो पंजाब के वज़ीर ख़जाना थे वो मोहसिन लगारी, उन्होंने कहा कि नहीं तरीन साहब, ये तो रियासत के ख़िलाफ़ काम नहीं हो जाएगा। तो उस वक़्त इस बेशरम घटिया आदमी की आप गुफ्तगू सुनें तो यकीन माने आपका भी खून खोल जाता है। ये कहते नहीं नहीं, हमने ये डील कामयाब नहीं होने देनी, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने देना है और ख़ान साहब भी यही चाहते हैं। तो इनकी ये जब गुफ्तगू थी, जब रिलीज़ हुई तो यकीन माने उस वक़्त भी दिल करता था कि इनको जो है वो सज़ा मिले। तो आज तकरीबन साल डेढ़ साल के बाद ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये छोड़ गए हैं और ये डील शील इस्टेब्लिशमेंट के साथ करके बाहर दफा हो गए हैं और इन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान में आए थे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान में जो है वो फले फूलेगा। अलग है ये वज़ीर ख़जाना था और जितना इसने नुकसान दिया है पाकिस्तान को किसी वज़ीर ख़जाना ने नहीं दिया। तो जब अब इमरान खान साहब मुश्किल में थे तो इसमें अगर गैरत का मायदा गैरत में होती इसमें तो ये खड़ा होता इमरान खान साहब के साथ, लेकिन नहीं, ये हाई एलीट क्लास है, ये खड़ी नहीं रहती हैं और आज ये माफ़ी तलाफ़ी करके चले गए। तो इस मौके के ऊपर रियासत के जो करता धरता उनसे सवाल है कि जनाब फिर तरीके इंसाफ के जो बेचारे रियासत के ख़िलाफ़ भी नहीं हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, इमरान खान साहब को भी छोड़ देना चाहिए। अगर आपने रियासत के इस गुंडे को जाने दिया है जिसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने की कोशिश की है, रियासत की ऐसी की तैसी फेरने की कोशिश की है, जब आप अपने इस आदमी को जाने दे रहे तो बाकियों का क्या कसूर है। हालांकि इसका जो जुर्म, इसे अगर सज़ा मिल जाती और अगर इस्टेब्लिशमेंट इसके ख़िलाफ़ चले जाती, इसके ख़िलाफ़ केस चलाती, इसे सजा देती, यकीन माने आने वाले वक्त में किसी को जुर्रत ना होती कि रियासत के ख़िलाफ़ कोई इकदाम करे। रियासत की यही कमज़ोरियाँ हैं,
कल को अगर ये गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो क्या आपका क्या ख्याल है कि ये अपना तरीका वारदात चेंज कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, ये अपना तरीका वारदात चेंज नहीं करेंगे। ये ज़्यादा शिद्दत से आएंगे और इस रियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये शौकत तरीन जैसे जैसे ब्यूरोक्रेट हैं या ये अमीर जो क्लास है, ये हमेशा बाहर के मुल्क में इनके घर होते हैं, इनका सरमाया होता है, पाकिस्तान में हुक्मरानी करने आते हैं, अपने फ़ायदे उठाने आते हैं, और जब इनका लीडर मुश्किल में होता है उसे छोड़ के ये चले जाते हैं। और रियासत जाए भाड़ में इतना बड़ा इन्होंने पैगाम दिया, इतना बड़ा बयान दिया, इनकी आइडियो रिलीज़ हुई लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ, और ये माफ़ी तलाफ़ी करके पाकिस्तान से बाहर चल गए हैं और तरीके इंसाफ को छोड़ चुके हैं, इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं, और इनको माफ़ी मिल चुकी है। अब रियासत के जो करता धरता उनसे भी मुतालबा है कि अगर तरीके इंसाफ के बाकी जो लोग हैं उन्हें भी माफ़ कर देना चाहिए, वो रियासत के ख़िलाफ़ तो नहीं है। अगर इमरान खान साहब ने रियासत के कोई ख़िलाफ़ इकदाम किए हैं तो फिर आप उन्हें सजा दें, अगर आप सजा नहीं दे सकते तो फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए ताकि वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले, और तमाम जो 2024 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है उसमें जिसकी भी गवर्नमेंट बने उन्हें गवर्नमेंट करने दे। मियां साहब अहमद, अच्छा न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।